अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द गवर्नमेंट जॉब्स पोर्टल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की से जॉब्स हैं सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूनाटोलॉजी की जॉब्स आई हुई हैं। बहुत ही बेहतरीन जॉब्स हैं और बहुत सारे डिपार्टमेंट में जॉब्स आई हुई हैं। सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल अफेयर्स, इसमें कंसल्टेंट सर्जन और बहुत सारी जॉब्स आई हुई हैं। मेडिकल ऑफिसर की, रजिस्ट्रार की, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज, स्टाफ नर्स, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, रेस्पिरेशन और ये सारी चीज़ें, इनकी क्वालिफिकेशन इनके सामने लिखे हुए हैं। ये आपको मैं शॉर्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एडवर्टाइजमेंट बहुत लंबी है तो वीडियो को भी नॉर्मल करना है। तो दूसरी है फार्मेसी सर्विसेज, इसकी भी जॉब्स आई हुई हैं। सीनियर फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट और ये देखिए आप, इसमें बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं, बहुत सारी जॉब्स आई हुई है। दोस्तों सेकंड वेज इसका ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर और आईटी असिस्टेंट की जॉब्स आई हुई है। उसके बाद लेबॉरटरी सर्विसेज में लेबॉरटरी मैनेजर वगैरह की पोस्टें आई हुई हैं, ये लेबॉरटरी टेक्नीशियन, पैथोलॉजिस्ट वगैरह, लैब असिस्टेंट। उसके बाद रेडियोलॉजी सर्विसेज में भी आई हुई हैं, ये देखिए आप लोग, सोनोलॉजिस्ट और बहुत सारी रेडियो ग्राफर और बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं। आप यहाँ पे देखिए ईसीजी टेक्नीशियन वगैरह, ये ईएनटी टेक्नीशियन सब हैं यहाँ पे। और हर डिपार्टमेंट में अलग अलग और बेहतरीन जॉब्स आई हुई हैं, जो दोस्त इनकी क्वालिफिकेशन से मैच होते हैं और लाजमी से इन यहाँ पे अप्लाई करें। अप्लाई करने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए एडवर्टाइजमेंट, इनमें सारी चीज़ें लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं। और एडवर्टाइजमेंट की लिंक भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पे आप देखिए कि बहुत सारे जो है न्यू इंस्टीट्यूट है, तो इसमें सारे बहुत सारी पोस्टें आई हुई हैं, किस तरह से आपने अप्लाई करना है, आपने अपनी जो भी जॉब रिक्वायरमेंट है वो भी आपने फिल कर देनी है। उसके अलावा आपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आपने जो है वो फिल कर देनी है। तो किस तरह से आपने एप्लीकेशन फिल करनी है ऑनलाइन, वो भी तो हम चलते हैं इस वेबसाइट पे www.sichn.com.pk। तो इस पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम इनकी वेबसाइट पे आ गए हैं, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूनाटोलॉजी कि। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे आ गए हैं और हम कैरियर्स पे जाएंगे। कैरियर्स पे जाके हमने जो भी डिपार्टमेंट है वो सिलेक्ट कर देना है। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है तो हम एडमिनिस्ट्रेशन पे जाएंगे। तो फ्रेंड्स इनकी डिटेल यहाँ पे दी हुई, अप्लाई बिफोर 21 दिसंबर, प्लीज़ यूज़ लेटेस्ट वर्जन ऑफ ब्राउज़र, गूगल क्रोम वगैरह, और प्लीज़ प्रोवाइड आर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन मस्ट बी इंटरटेन, यू मे इग्नोर द फील्ड्स ऑफ एप्लीकेशन नॉट एप्लीकेबल टू यू, यानी सारी चीज़ें आपने मुकम्मल तरीके से फिल करनी है। और सबसे पहले आपने ये रजिस्ट्रेशन वाला कॉलम भरना है, CNIC नंबर लिखना है, उसके बाद आपने यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट करनी है जिस भी पोस्ट में आपने अप्लाई करना है। तो इस तरह से बहुत सारी पोस्ट हैं, आपने जिसने भी अप्लाई करना है आपने वो सेलेक्ट कर देनी है और CNIC नंबर वगैरह लिख के फॉर्म ऑनलाइन फिल कर देना है। जब आप फॉर्म ओपन करेंगे तो मैं आपको फॉर्म ओपन करके दिखा देता हूँ, कोई भी इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स मैंने ये फॉर्म फिल कर दिया है, तो हम यहाँ भी क्लिक कर रहे हैं अपना फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म जो है उस पर। तो आप देखिए ये इस तरह का कुछ एप्लीकेशन फॉर्म है। तो सबसे पहले आपने PMDC नंबर वगैरह, डॉक्टर, फार्मेसी वगैरह के लिए, उनके लिए ये होता है तो वो लिख देना है। अगर आप किसी और पोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है, फादर्स नेम लिखना है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एज, एड्रेस, नेशनलिटी, सिटी, डोमिसाइल, ईमेल, मोबाइल नंबर, होम नंबर, होम फोन नंबर, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, और उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखी हुई है, मैट्रिक, इंटरमीडिएट जो भी है आपके लिए वो सारी लिख देनी है, सब्जेक्ट
साइंस या आर्ट्स में जो भी आपने किसमें की है वो लिखनी है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन बोर्ड का नाम लिखना है, और उसके बाद जब आपने डिग्री कंप्लीट कर देनी है वो डेट लिखनी है आपको यहाँ पे। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आता है ट्रेनिंग, अगर आपने कोई भी ट्रेनिंग की है तो वो भी आपने यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद आता है रेफरेंसेस, यानी दो रेफरेंसेस आपने लाजमी देने हैं, जहाँ भी पहले आपने जॉब की है उनके दो रेफरेंसेस यहाँ पे आपने लाजमी लिख देने हैं, उनके फ़ोन नंबर वगैरह, ईमेल, कॉन्टेक्ट सब लिख देना है, और इंस्टीट्यूट का नाम भी। उसके बाद फाइनल में आता है आपने यहाँ पे अपनी CV अपलोड कर देनी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपने चूज़ फाइल करके इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ आपने फाइल मैनेजर खोलना है और अपनी CV यहाँ पे अपडेट करनी है, फिर उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट्स बॉक्स से मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी बिल्कुल रहनुमाई करूँगा और बताऊँगा जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी जॉब्स और इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन को टच करना ना भूलिएगा ताकि हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।